गुड, इसमें क्या? जब आप हुदूद के हाउस बोट पर पहुंची तो आपने वहां नौशेरिया को देखा, बने खड़े इस्तकबाल के लिए खड़े मुस्कुरा जी नहीं, दुल्हा के बदले ये ताक। ओ, आप बेहुदा अब मेरे पसंद को झुका दिया, ये तार भरने की बात देखिए मुझे अचानक कंप्यूटर निकल आए हैं, बस तहरीर कर रहा हूँ। गुरु मुझे अचानक कंप्यूटर निकल आए हैं, कंप्यूटर मालूम बीमार ऐसी लाहौर अगर कहने को ठीक जाता है मुझे हुक्म मत दिखा दे आप क्या भी काम को जिद्द दे कोई बीमार है मुझे हुक्म मत दिखा दे आप पर वाबी है क्या मुतला होने के लिए दुनिया में यही बीमारी रह गई थी तलपेड़े बड़े नाम आप बोल सकते हो वो भी ऐसे अहम मौके पर तब मौका पर मुझे आप से दिल अंदर ताहम अगर गौर किया जाए तो इसमें आपकी नौकरी का क्या कसूर तो फिर मेरा कसूर है कंट्रोलों से नौशी के रूप में सेवा का उन्हें जरूर जिक्र क्यों हो गया होगा ताहम अगर आप किसी कदर निस्वानी सियासत पर अमल करती फिर ना तो परवा बड़ी आसानी से तय हो सकता था क्या मतलब है आपका यानी पुरुषियाना शर्मा भैया के बहाने इब्तिदा में अपनी निगाहें जरा नीची रखती ताकि नौशी का उन्हें देखकर आपके शौक के उसको जमा लो फेस पर ना आप नौशी की शक्ल देखती आप नर्स की शक्ल भी देखना नहीं चाहती लेकिन मर्द मर्द की मार चले गई और रस रहा होगा तो भी सांचे बैठे ले हुए आशा ये सही नहीं है सब मर्द एक तरह के नहीं होते मिसाल के तौर पर मुझे ले लीजिए आप जी हाँ मुझे ऐसा वैसा आदमी ना समझिएगा जो अपनी शादी के दिन कंप्यूटर लेके टरखा ले हरगिज नहीं वो तसब दौलत के मन की खौर खंखा निकला मुझे तो आके पूरा से इसलिए अनुमति है कि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो उस मरीज की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसका दिल चकना चूर हो जाएगा फिक्र ना कीजिए उसका दिल चकना चूर होने वाली चीज नहीं है इस जगह अगर मैं होता मेरा तो यही वजह होता आपका वाकई जी हाँ ये मुमकिन है ये तो बेचारे वजूद साहब की बर्बादी होने से हालत खराब है फिर आप और ही तरह के आदमी हैं हमदर्द सास जी हाँ मैं भी यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा था मैं जरा और तरह का आदमी लेकिन अभी तक आपने इस मामले का बदतरीन हिस्सा तो सुना ही नहीं यानी अभी कुछ और बाकी है आप कह रही थी कि जब आप अपने नौशे के हाउस बोट पर पहुंची तो वहां नौशे के बदले उस पर तार का मजबूत हो गया हां तार का मजबूत देखकर मेरी तो अजीब सी कैफियत होने लगी और फरमाइए ना मैं और साथ अकेले उस वक्त क्या करती मेरे तो हाथ पांव खुल गए दिल धक धक करने लगा ये अच्छी बात थी कि मैं कमजदा होने के बदले खुश थी मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि मैंने नया जन्म लिया इसलिए मैंने एक लंबी सियाह भरे और लरजती हुई आवाज से अपने दिल से कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र मुझे
मुझे अचानक कनपेड़े निकल आए हैं। तहरीर कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह, कनपेड़े निकल आए। ये वही कनपेड़े है। क्या मालूम, रोजाना भारत के इश्तिहारी कालमों में भी जालिम ने इसी मजनू का पैगाम पेश करा दिया। इतनी बात आपसे की भी जरा हद इतिदाल से बाहर है। दोनों मजमून ये भारत में जरा बराबर तफावत है। बस चौकी की इंतहा। मेरे अल्लाह, उस शख्स को इतनी भी इंसानियत नहीं कि लफ्जों में कुछ रद्दो बदल ही कर देता। उसने लफ्जों के कलपेड़े निकल आए, कलपेड़े भूख गए, कलपेड़े तकलीफ खत्म तेरा हो गया। हो सकता है कंप्यूटर की वजह से बेचारे ने बिस्तर में लेटे रहने ताकत उसमें नहीं आई। स्टेशन से कॉलर की शादी करने के लिए मादा हो सकती है जो बिस्तर में पड़े पड़े तैयारी करेगा। आदियो ठीक मुसलमान, मैं महसूस कर रहा हूँ कि बुदूद साहब की तबीयत में शायरी का अंसर मौजूद है। एक शायर को अपने तखय्युल के इजहार के लिए हमेशा ये जस्तजू बेताब रखती है कि इजहार मुद्दा के लिए मौजू तरीन अल्फाज क्या हो सकते हैं। ये जस्तजू कभी खत्म होने में नहीं आती। वो अपने मुद्दा और उस मुद्दा के इजहार के दरमियान बहुत एक तफावत महसूस करता है, जिस पर गालिब आने के लिए वो जाने पहचाने अल्फाज को नित नए रिश्तों में पिरोता रहता है। इसके बावजूद जब वो इजहार मुद्दा से मायूस हो जाता है तो बे प्यार होकर पुकार उठता है। जुबान और रुख से फरमान इसलिए जब एक बार का मतलब वाज हो जाता है तो उसमें तरमीम या रद्दोबदल की जरूरत महसूस होती है। महसूस करता है बिल्कुल बेनियाज है। मैं तकरीर करना नहीं चाहता। आपकी बेहद इच्छा आप
समझता हूँ। कहने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। हाँ तुम्हें क्या कह रही थी? आप दूसरे तार की बात कर रही हैं। दूसरा तार है पर मेरे तो तक बदल में आग लगी। मेरे दूसरी मजबूत का तार बदल गया। कैसी बात है, मुझे निकल के लेकर ख्याल तुम्हारे कि मैं यूसुफ को लिख चुकी थी कि मैं किसी और शख्स से शादी करूं।